साईं राम, मैं अंजू टंडन साईं समाचार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हाल ही में शिरडी में शिरडी संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश हावड़े ने नए मुख दर्शन कमरे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर कदम, संस्थान की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमती रूबल अग्रवाल एवं पूर्व ट्रस्टी श्री सचिन तांबे भी वहां मौजूद थे। कैलकटा के खुर्दा क्षेत्र में श्री राज आचार्य जी द्वारा नए साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साईं भजन संध्या, साईं कथा एवं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीलवाड़ा राजस्थान में श्री रावत जी द्वारा साईं बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साईं कथा एवं भगवत कथा एवं साईं भजनों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री साईं बाबा मंदिर सेक्टर 40 नोएडा में प्रत्येक वीरवार को प्रभात फेरी पालकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नोएडा के विभिन्न सेक्टरों से निकाली जाती है। यह कार्यक्रम श्री साईं महाशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। श्री साईं बाबा महाशताब्दी समाधि वर्ष के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 4 गुड़गांव में स्थित साईं बाबा मंदिर में हर एक वीरवार को भजन कीर्तन एवं साईं बाबा की पालकी निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री साई सेवा सदन संस्था द्वारा नेत्रहीन कन्याओं के विवाह में भंडारे का आयोजन किया गया। साई धाम हमरा रोड लुधियाना में नए लंगर हॉल का उद्घाटन किया गया, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। आठ मई को शिरडी में श्री संदीप सोनवने एवं श्रीमती रूपाली सोनवने ने उनकी बिटिया के नामकरण के अवसर पर साईं भजन संध्या का आयोजन किया। स्टर्लिंग पब्लिशर्स द्वारा केविन आर डी शेफर्ड द्वारा लिखित पुस्तक साईं बाबा फकीर ऑफ शिरडी एवं अनुसुईया वासुदेवन द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई एक पुस्तक शिरडी साईं बाबा रिलीज की गई। बारह जून को JMD के MD श्री अमित चौहान जी भक्तों का एक जत्था लेकर शिरडी जा रहे हैं, जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उनके द्वारा आयोजित ये तीसरा महाकुंभ है। हाल ही में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचे। ZTV के प्रेसिडेंट श्री सुभाष चंद्र जी ने भी साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी एवं योग प्रभा भारती सेवा संस्था द्वारा समर्पण ध्यान योग महाशिविर का आयोजन किया गया। प्रवचन के आरंभ में राजा जनक के उदाहरण से पूज्य स्वामी शिव कृपानंद जी ने गृहस्थी में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जा सकती है, इस पर मार्गदर्शन दिया। स्वामी जी ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि जीवन में जो कुछ प्राप्त करो, जो कुछ कमाओ, वे अपने पुरुषार्थ से कमाओ। नियति और प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम ही भोगने पड़ेंगे। साईं बाबा से जुड़ी देश विदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए साईं लीला TV। ओम साईं राम।